मुंजी थाना टीआई ब्रजभूषण हिरवे सोमवार को अपनी टीम के साथ लाल बहादुर बस स्टैंड पहुंचे और वहां उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को समझाइश दी। पुलिस टीम ने बस स्टैंड पर घूम रहे लोगों को इकट्ठा किया और टीआई ब्रजभूषण हिरवे ने लोगों को कहा कि नशे से दूर रहें। लोग नशा करके वाहन चलाते हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। नशा अपराध की ओर आकर्षित करता है। नशे में गाड़ी चलाना हमारे परिवार वालों को तकलीफ में डालना है और परिवार वालों से दूर जाना है। मुंदी से नवाब खान के साथ शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। आपसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, उससे जुड़ा हुआ, तो ये एक चेन बनती जाएगी और हम लोग धीरे 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 नशे से दूर होते जाएंगे और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सर, किस संबंध में आज आप यहाँ बस स्टैंड पे आए? आज नशा अभियान का जो दिन है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश से, चूंकि नशा करके काफी अपराध लोगों के द्वारा किए जाते हैं और कई लोग नशा करके वाहन भी चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं भी घटित होती है, तो नशा मुक्ति अभियान के तहत आज हम लोग एक नुक्कड़ सभा के रूप में एकत्रित हुए थे और बस स्टैंड पे काफी तादाद में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए और सभी ने हमारी बातें सुनी और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और नशा करने के बाद में उनको क्या क्या परेशानियां होती है और उनके परिवार को क्या क्या नुकसान और फायदा होता है, ये सब भी चीज़ों के बारे में हमने उनको अवगत कराया और लोगों ने बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया और ये भी बोला कि सर हम लोग नशे से दूर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।